नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564309906089745285 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @StudyForCivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो अपकमिंग वैकेंसी है आरओ की स्पेशली, उसके लिए हम पेड क्विज लगातार देख रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे अपना अगला वीडियो यहाँ से। इस सीरीज को प्लीज़ फॉलो कीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल है आपके लिए। और अगर आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो का खोल करके देखेंगे, हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स वहाँ पे, जो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं वो दिए हुए हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप एडमिशन ले सकते हैं। स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं क्या कहा गया है। इसमें देखिए, हर्षवर्धन ने किस विश्वविद्यालय को संरक्षण या कह लीजिए विशेष संरक्षण प्रदान किया? तो नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में आपने सुना होगा, किसने फाउंड की थी इसको? कुमार गुप्त ने अराउंड 5th century AD में, ठीक। और देखेंगे हर्षवर्धन के शासनकाल में चाइनीज एक पिलग्रिम था वेनसांग, ठीक है, इसका नाम भी आपने सुना होगा। तो ये आया था और इसने जो है डिटेल्ड अकाउंट है ना, या डिटेल्स जो है नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में दी हैं। तो यहीं पे हर्षवर्धन ने ही है ना नालंदा विश्वविद्यालय को संरक्षण प्रदान किया। काफ़ी फेमस मतलब टाइप की यूनिवर्सिटी थी उस टाइम पे, जिसमें कई प्रकार की शिक्षाएं स्पेशली जो है बुद्धिज्म से संबंधित लोग जुड़े रहे, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखें। इसमें देखें किस अभिलेख में सूर्य मंदिर के प्रमाण का उल्लेख है? तो यहाँ पे मध्य प्रदेश में ये मंदसौर अभिलेख जो है, इसमें देखेंगे तो बेसिकली ये पिलर इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। और जो है किसका है इनका, यशोधर्मन, ठीक है, संस्कृत भाषा में है। तो उसमें हमें जो है ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, इन्होंने डिस्कवरी जो है इसमें बताई है कुछ कि यहाँ पे सन टेम्पल के बारे में कुछ लाइंस जो है इसमें मैंशनड हैं, सूर्य के एक तरीके से डिनोट करते हुए। तो इस तरह की चीज़ें जो इंस्क्रिप्शन से संबंधित है पूछी जाती हैं अक्सर, तो प्लीज़ यहाँ पे जैसे भी यहाँ पे चार इंस्क्रिप्शन लिखे हैं तो इन चारों के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़िएगा। नेक्स्ट है, चुंबक यानी मैग्नेट के द्वारा लगाया गया बल किसका उदाहरण होता है? ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा असंपर्क बल यानी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। मतलब इसको कैसे समझ सकते हैं कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसे फोर्स होते हैं जिसमें मतलब वो किसी बॉडी पे एक्ट करते हैं विदाउट फिजिकल कह लीजिए कॉन्टैक्ट के, है ना, क्योंकि इसमें अपनी एक जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है आप ये जानते होंगे। अब जैसे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल्स की हम बात करें तो जैसे इसमें आपका ये मैग्नेटिक फोर्स आ ही गया, है ना, इसके अलावा जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, फिर जैसे ये न्यूक्लियर फोर्स होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो ये सब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जांपल हैं, ठीक। वहीं इसके विपरीत जैसे कि जो हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स होंगे, है ना, संपर्क बल, तो उसमें क्या होता है कि बॉडी जो है फिजिकली एक दूसरे से कॉन्टैक्ट करेगी, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स है ना, मस्कुलर फोर्स, ये सब इसके एग्जाम्पल होते हैं। इसमें देखें, धातुओं का वह गुण जिससे उनको खींच करके तारों में परिवर्तित किया जा सकता है क्या कहलाता है, है ना। कोई भी मेटल है उसको, उसकी बेसिकली डक्टिलिटी अच्छी होगी, तन्यता, तो उसको कन्वर्ट किया जा सकता है, जो जैसे इलेक्ट्रिक वायर्स वगैरह होते हैं उस रूप में। इसमें से कौन सा विदेशी यात्री मोहम्मद तुगलक यानी मोहम्मद बिन तुगलक जो था, तुगलक डायनेस्टी से संबंधित, उसके दरबार में रहता था? तो यहाँ पे 1325 से 1351 के बीच आप देखेंगे इसका शासनकाल है, तो इसमें इब्न बतूता जो है ना ये रहता था इसके कोर्ट में। और इब्न बतूता की एक फेमस पुस्तक है ना रहला, जिसमें ये तुगलक, ये मोहम्मद बिन तुगलक के जो शासनकाल के जो मतलब उस समय की ज्योग्राफिकल इकोनॉमिक सोशल सिचुएशंस थी उसके बारे में काफ़ी जो है डिटेल में बात की गई है, ठीक, वो भी इसकी पुस्तक है, तो उसको ध्यान रखिएगा, वो क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है, नुसंतारा को किस देश की नई राजधानी के रूप में चुना गया है? तो ये बेसिकली एक प्लान्ड फ्यूचर कैपिटल सिटी है जो कि होगी किसकी, इंडोनेशिया की। अभी वहाँ की कैपिटल क्या है, जकार्ता, ठीक है। तो लास्ट ईयर जहाँ जो है इसको अनाउंस किया गया था कि बेसिकली क्या है जकार्ता, देखेंगे पूरा इंडोनेशिया ही जो है बहुत सारे आइलैंड से मिल करके बना हुआ एक देश है, तो जो यहाँ की ये कैपिटल सिटी है उसके सबमर्ज होने की है ना संभावना जताई जा रही है, तो उसी के चलते पहले से इन्होंने प्रिकॉशन के तौर पर इस नुसंतारा को डेवलप किया, करना शुरू किया है और इसको कैपिटल अब जो है बनाएंगे।
घास जो होती है ग्रास, तो इसमें सबसे अधिक कौन सा पदार्थ होता है उसकी मात्रा, तो सेलुलोज जो है ये होता है। गाय भैंस पचा सकती हैं इसको, मानव को ये पचता नहीं है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। सेलुलोज इसमें देखें, कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था, तो जो ये 5 डायनेस्टीज हुई, ठीक है, लोदी डायनेस्टी पे जो समाप्त होती है, तो उनमें देखेंगे अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बरनी, मिन्हाजुस सिराज, इनके हिस्टोरिकल अकाउंट्स जो मिलते हैं। अब्बास खान सिरवानी की बात करें तो ये जो है मुगल काल का एक ऐतिहासिक लेखक है, और मुख्य रूप से देखेंगे तो अकबर के शासनकाल से संबंधित रहा। निम्नलिखित में से कौन तुगलक वंश का शासक नहीं था, तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी आप पढ़ते हैं, है ना, फिर खिलजी, फिर तुगलक, तो तुगलक डायनेस्टी में देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन, फिरोज शाह, ये सब थे। रुकनुद्दीन जो है इसकी बात अगर करें तो ये बेसिकली इसका छोटा सा टेन्योर था, लेकिन उसमें स्लेव डायनेस्टी में, ठीक है, उससे संबंधित था ये, लगभग 6-7 महीने का, तो इस वजह से इसको ऑड इसमें से चूज करेंगे हम। लोकसभा के सदस्यों में से कितने सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो जैसे अब नेक्स्ट ईयर 2024 में आम चुनाव होंगे, आप लोग वोट डालने जाएंगे, ठीक है, तो क्या होता है पूरे भारत से, है ना, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के आधार पे 530 मेंबर्स जो हैं वो डिवाइडेड हैं हमारे 28 राज्यों के मध्य, ठीक, और 20 मेंबर्स जो हमारी अन्य ये हैं यूनियन टेरेटरीज, इसके लिए अलॉटेड हैं, तो टोटल स्ट्रेंथ कितनी होती है 550, ठीक, ध्यान रखेंगे, तो यहाँ पे 530 को चुनेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल के एक नेता थे, तो कांग्रेस का विभाजन हुआ था, सूरत स्प्लिट आप जानते होंगे, 1907 का सेशन, दो भागों में विभाजित हुई, नरम दल और गरम दल, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट, तो यहाँ पे मॉडरेट को पूछा गया है, तो जो मतलब बहुत उग्रवादी नेचर के लोग थे उसमें, या उग्रवादी मीन्स के थ्रू आज़ादी चाहते थे, वो उस दल में थे, जैसे लाल बाल पाल का एक शॉर्ट फॉर्म आपने सुना होगा, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष, है ना, लाला लाजपत राय, ये सब जो है उसमें एक्सट्रीमिस्ट में थे। मॉडरेट में फिरोज शाह मेहता या उस समय के जो अन्य लीडर्स थे वो इसमें थे। ओपियम यानी कि अफीम के बारे में आपने सुना होगा, कई लोग इसको जो है नशा वगैरह करने के पर्पस से यूज़ करते हैं, तो इसमें जो मनोसक्रिय रसायन है, है ना, साइको एक्टिव केमिकल जो होता है, जो आपको इसमें नशे का कह लीजिए एक वो देता है, ठीक, तो क्या होता है, तो मॉर्फिन है, ठीक, ऑप्शन फर्स्ट। इसमें देखें कौन सा एक प्रकार का खनिज अम्ल नहीं है, मिनरल एसिड, या फिर ऐसा समझ सकते हैं मिनरल एसिड को ही इनऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड और ऑर्गेनिक एसिड, तो इनऑर्गेनिक की जो प्रकृति होती है कह लीजिए, ये बेसिकली इसमें हाईली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, लेकिन इनसॉल्युबल होते हैं एक प्रकार से जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं कुछ, ठीक, और मोस्टली जो है ये एक तरीके से डिराइव होते हैं जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, जो प्रोड्यूस करता है H+ ion, ठीक है, वाटर में जब मिक्स होता है, इसको ध्यान रखिएगा, इनऑर्गेनिक एसिड की बात कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे अब एग्जांपल की बात करें तो नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक, हाइड्रोक्लोरिक, इसके अलावा जैसे ये फॉस्फेरिक होता है, ठीक है, तो ये सब हमारे एग्जांपल्स हैं मिनरल एसिड के। और वहीं जो स्पेशली खाद्य पदार्थों में आप देखते हैं, है ना, ऑर्गेनिक टाइप के वस्तुओं में, तो वो मोस्टली इस कैटेगरी में आ जाते हैं हमारे ऑर्गेनिक वाली में, तो जैसे टार्ट्रिक एसिड हो गया, है ना, फिर जैसे ये मैलिक एसिड वगैरह हो गया, ठीक है, तो ये सब हमारे ऑर्गेनिक एग्जाम्पल होते हैं, नॉन मिनरल कह सकते हैं आप। नेक्स्ट है माओइज्म या कि माओवाद जो होता है, साम्यवाद का एक रूप है, जिसे किसने विकसित किया था, तो जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, तो ये सब खैर डिटेल में हिस्ट्री पढ़िएगा, तो कम्युनिस्ट जो है उससे ही मिलते जुलते कुछ लोग, है ना, एक फॉर्म है माओवाद, तो माओवादियों का एक बेसिकली जो कह लीजिए फाउंडेशन किया माओ, ये तेसुंग कह सकते हैं, कई तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, तो इन्होंने डेवलप किया। बेसिकली माओवादियों का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो राज्य की सत्ता है, स्टेट पावर, उसको कैप्चर करना थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ आर्म्ड इंसर्जेंसी, है ना, मास मोबिलाइजेशन और स्ट्रेटेजिक अलाइंस, ये दो तीन कॉन्सेप्ट होते हैं, तो हालांकि इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता, फिर भी ध्यान रखें। कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था, तो रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 का आया था उसके माध्यम से फोर्ट विलियम जो था कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट एक इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है, और इसमें जो फर्स्ट चीफ जस्टिस जिसने प्रिसाइड किया कौन थे, सर एलिजा इम्पे, इनका नाम ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, हाई कोर्ट का एग्जाम है तो जाहिर सी बात है इस तरह की चीज़ें तो आपको पता ही होनी चाहिए।
नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत की केंद्रीय व्यवस्थापिका में द्विसदनी व्यवस्था का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया। जितने भी एक्ट्स यहाँ पे लिखे हैं प्लीज इन सब के सारे प्रावधान डिटेल में आपको पढ़ना है, ठीक है। कुछ भी पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सब, ठीक है। एज मतलब हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज पॉलिटी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो 1919 का जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, ठीक, उसके माध्यम से सेंट्रल जो लेजिस्लेचर था उस समय उसमें द्विसदन है ना की व्यवस्था की गई। मुगल दरबार के इतिहास जो है वो किस भाषा में लिखे गए हैं, ठीक। तो यहाँ पे जैसे आप जानते ही होंगे कि मतलब उर्दू से कंफ्यूज मत हुआ करिए कि उर्दू मुस्लिम लैंग्वेज एक तरीके से है तो बहुत ज़्यादा उसमें भी रही होगी। तो मुगल दरबार के स्पेशली जैसे अकबरनामा वगैरह हो गए है ना, तो सब सारे के सारे पर्शियन भाषा में लिखे गए, ठीक। इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स के लेखक कौन है, तो ये पुस्तक है इनकी बिपिन चंद्र की। तेभागा आंदोलन किस क्षेत्र में पनपा, तो तेभागा आंदोलन एक प्रकार का ये पीजेंट मूवमेंट था कह लीजिए बंगाल में, ऑल इंडिया किसान सभा और ये सीपीआई वगैरह जो है इन्होंने इसको सपोर्ट किया था। तो विकल्प हम जो है सी को चुनेंगे। भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को किसको प्रदान किया है, ठीक है। तो जैसे आप ये पढ़ते हैं आपका लिस्ट के बारे में, ठीक है, जैसे यूनियन लिस्ट हो गया, स्टेट लिस्ट या कॉन्करेंट लिस्ट, तो वैसे ही यहाँ पे एक रिसिडरी जो पावर्स हैं कुछ ऐसी अवशिष्ट शक्तियाँ जिसपे कानून बनाने का अधिकार जो दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से वह केंद्र सरकार यानी कि संघीय सरकार को दिया गया है, ठीक, विकल्प ए। अब इंग्लिश के क्वेश्चंस को देखेंगे, वर्ड जो हमारा है मीनिंग बतानी है उसके, एग्जैक्ट वर्ड हमारा है एनिग्मा, ठीक है। एनिग्मा का मतलब होता है जैसे पहेली होती कोई, ठीक है, तो पहेली के लिए वर्ड हमारा एनिग्मा हो गया, रिडल हो गया, पजल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बी विकल्प को चुनेंगे। हमारे पास एक वर्ड है अब इनर्शिया, ठीक है, इसका ऑपोजिट बताना है। तो इनर्शिया का मतलब समझ सकते हैं कि कोई भी वस्तु है ना, जैसे फिजिक्स में आप पढ़ते हैं ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह, तो मतलब एक ही स्थान पे है ना जड़ता, इसको हिंदी में कहते हैं स्थिर टाइप का चीज़ हो, ठीक है, या कह लीजिए जैसे ये होता है स्थूल एक शब्द होता है हिंदी में, ठीक। तो यहाँ पर जैसे स्टपर, लैंग्वर, इनर्टनेस, ये सब इसके सिनोनिमी है इनर्शिया के, ठीक है। ये विगर शब्द जो होता है इसका मतलब होता है शक्ति, या कह लीजिए जो उसमें एक तरीके से मूव करने की शक्ति है ना, उस तरीके से समझ सकते हैं इसको। तो ये इसका जो है लगभग ऑपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा वर्ड है करेक्टली स्पेल्ड करना है, पायस एक शब्द होता है, ठीक है, तो यहाँ पर इसकी स्पेलिंग हो जाएगी पी आई ओ यू एस। ये कहाँ मिला है, ऑप्शन ए में ही, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है, जिसे हिंदी में पवित्र कह सकते हैं, ठीक है। एक सेंटेंस हमारे पास है, किस पार्ट में एरर है वो देख लेते हैं। ईच चाइल्ड वॉज गिवेन अ रेड ब्यूटीफुल बलून, ठीक है, तो यहाँ पे पोजीशनिंग गलत है इसकी, है ना, ब्यूटीफुल रेड बलून होगा। एक फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पे, ऑल्टरनेटिव में क्या देख सकते हैं, है ना, द पैसेंजर्स वर अफ्रेड बट द कैप्टन, अब इसमें से क्या होगा, देम दैट देयर वर नो डेंजर, यहाँ पे डेंजर की स्पेलिंग गलत इन्होंने लिख दी है, कोई बात नहीं, डी ए एन जी ई आर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे खतरा नहीं है तो ऐसी स्थिति में उनको आश्वस्त करना होगा ना, तो अश्योर्ड वर्ड हम यूज करेंगे इसमें, ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा idiom है बीट अराउंड द बुश, ठीक है, इसका मीनिंग बताना है। तो बेसिकली क्या होता है कि बीट अराउंड द बुश का मतलब डिस्कसिंग एनी मैटर विदाउट कमिंग टू द पॉइंट, है ना, तो वही हो जाएगा अवॉइडिंग द मेन टॉपिक। जैसे वही ना पहले भी हमने शायद पिछले वीडियोस में भी देखा था कि मुद्दे की बात ना करके लोग फालतू की बातें करते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे यूज होता है ये। अब देखें वन वर्ड सब्सटीट्यूशन चूज करना है क्या हो सकता है हमारा, यहाँ पे देख लेते हैं ब्रैकेट के अंदर, अ रिकॉर्ड ऑफ वंस ओन लाइफ रिटन बाई, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन करेंगे, वन सेल्फ हो सकता है, ठीक है, वन सेल्फ। तो देखिए अपने ही जीवन के बारे में जो कुछ आपके इतिहास भूगोल आपका रहा हो खुद से लिखना वो ऑटोबायोग्राफी होता है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। और जो किसी और ने लिखा हो लेकिन वही कहानी आपके ही जीवन की हो वो बायोग्राफी होता है, तो दोनों में जो है अंतर ध्यान रखिएगा। फिर से देखें चूज़ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, हमारे पास एक ब्लैंक है, इसमें बेसिकली प्रीपोजिशन भरना है, तो आई इंसिस्टेड ऑन होगा यहाँ पे, ठीक है, ऑन हिज लिविंग द प्लेस, इंसिस्टेड के साथ यहाँ पे जो है ऑन यूज़ करते हैं। चूज़ द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड, ओके, तो बिलोंग टू द सेम पीरियड, ठीक है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन इसके लिए होता है कंटेम्प्ररी,
है ना, एक ही ऐतिहासिक रेफरेंस में इसको यूज करते हैं कि एक ही काल की समझ लीजिए है ना दो घटनाएं हो तो उनको समकालीन शब्द जो हिंदी में होता है ना कंटेम्पररी वो कहते हैं। अब इस idiom का मतलब बताना है हमारा यहाँ पे है मेक रूम, ठीक है। इसका रेफरेंस हम यूज करते हैं किस चीज के लिए कि किसी मतलब फॉर समवन और समथिंग है ना, थोड़ी सी जगह बनाने के लिए, ठीक, मेक स्पेस। तो जैसे मान लीजिए कि आपकी अलमारी में कुछ कपड़ा रखा है और आप अपने किसी और दोस्त का कपड़ा रखना चाहते हैं तो एक सेंटेंस बना लीजिए ना उसके लिए कि जैसे आई ट्राइड टू मेक रूम इन माई वार्डरोब फॉर माई फ्रेंड्स क्लोथ्स बट देयर वॉजेंट नियरली इनफ स्पेस, ठीक, इस प्रकार से समझ सकते हैं इसको। अब हिंदी के क्वेश्चंस को देखेंगे, कुछ पुलिंग शब्द बताना है, स्त्रीलिंग और पुलिंग भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे चील, कोयल, नेत्री है ना, ये सब स्त्रीलिंग होते हैं। दही जो है ये हमारा एक पुलिंग शब्द है, ठीक, ध्यान रखिएगा। जैसे दही खट्टी नहीं है, दही खट्टा है, ये शब्द सही होगा। इन विकल्पों में देखिए कौन सा शब्द सदैव एक वचन में रहता है, ठीक है, सिंगुलर। तो जैसे इसमें हो जाएगा हमारा ये दूध, ठीक है, दूध हमेशा एक वचन में ही यूज करते हैं हम। इसके अलावा जैसे बारिश, ठीक है, पानी, घी हो गया, दही हो गया, आकाश, ये सब शब्द जो हैं ये एक वचन के हैं। उसके विपरीत अगर बहुवचन वाले कुछ शब्दों की बात करें जो हमेशा बहुवचन में ही यूज होंगे, ठीक है, तो जैसे जो यहाँ पे विकल्प लिखे हुए हैं इसके अलावा जैसे हस्ताक्षर, आंसू है ना, और प्राण, अक्षत, तो ये सब भी ध्यान रखिएगा। अब शब्द हमारे पास है जलमग्न, इसमें कौन सा समास होगा, ठीक है। तो जलमग्न बेसिकली उदाहरण है हमारा तत्पुरुष समास का, जिसमें क्या होता है कि हमारा जो शब्द का उत्तर पद होगा है ना वो प्रधान होता है। तो यहाँ पे मग्न जो है उस हिसाब से है, तो विकल्प हम ए को चुनेंगे। इसमें से अरण्य शब्द का पर्यायवाची कौन सा है, ठीक है, अरण्य का मतलब होता है जंगल, तो जंगल का ये पर्यायवाची अटवी हो जाएगा, कांतार है ना, विपिन, ये सब होते हैं। शब्द है उदात्त, इसका विलोम बताना है। तो उदात्त का मतलब होता है जैसे महान, श्रेष्ठ है ना, उत्तम, इस रेफरेंस में यूज करते हैं। तो इसका विपरीत विलोम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनुदात है ना, मतलब कि कोई महान ना होना है ना, नीचा या ऐसे कुछ शब्द। एक मुहावरा है ठन ठन गोपाल होना, ठीक है, जब पैसा वैसा खत्म हो जाता है तो वैसी स्थिति को बोलते हैं, तो कंगाल होना इसमें हमारा सबसे उपयुक्त होगा। इसमें अशुद्ध वर्तनी कौन से शब्द की है वो बताना है। तो वाल्मीकि गलत तरीके से लिखा है, बाकी तो ठीक है, क में छोटी ई की मात्रा होती है ना, वाल्मीकि, बाकी के विकल्प ठीक है, इनको देखिए। इसमें कौन सा तद्भव शब्द है, ठीक, तद्भव इसमें है पंख, ठीक है, और इसका तत्सम जो होता है वो क्या होता है, पक्ष, ठीक, दोनों को ध्यान रखेंगे। फिर से वन वर्ड चूज करना है, क्या होगा, बढ़ा चढ़ा कर कहना किसी बात को, ठीक है। तो हिंदी में ये हमारा ऐसी स्थिति में किसी बात को अगर आपको बढ़ा चढ़ा के बताते हैं किसी से तो अतिशयोक्ति वर्ड यूज करते हैं, ठीक, जैसे इंग्लिश में होता है ना एग्जैजरेट, इसी के लिए। तो दोनों चीज़ों को ध्यान रखिए। अब कुछ प्रश्न कंप्यूटर के देखेंगे, फुल फॉर्म ऑफ रॉम, शॉर्ट फॉर्म से भी पूछे जाते हैं। तो जैसे रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम होता है और रॉम होता है रीड ओनली मेमोरी। फिर है एप्रोम, ठीक, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इनके फंक्शंस थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा क्या क्या होता है, ये आपको भी ऊपर ही बता दिया गया क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। मेमोरी की स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ी गलत लिखी हुई है, इसको ध्यान रख देंगे है ना, मेमोरी। इसमें देखें सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पहले जैसे ये सीडी आती थी ना, वो प्लेयर होते थे, वीडियो प्लेयर, सीडी और डीवीडी, ये सब, तो कॉम्पैक्ट डिस्क उसका फुल फॉर्म होता था, और जो है रोम का आप जानते ही हैं, रीड ओनली मेमोरी। एक छोटा सा चित्र जो कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी प्रोग्राम या शॉर्टकट का प्रतिनिधित्व करता है क्या कहलाता है। आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पे जो आइकन्स होते हैं ना वही होता है ये, उसी की परिभाषा लिखी थी यहाँ पे। देखिए कई सारी वेबसाइट्स पे आपने विजिट किया होगा तो कैप्चा कोड आपसे आजकल पूछा जाता है, ठीक है, क्या होता है ये। तो मानव इनपुट को मशीनी इनपुट से अलग करने के लिए, बेसिकली उस वेबसाइट या आपके पर्टिकुलर जो यूसेज है उसको सेफ बनाने के लिए है ना, कि आदमी ही तो लॉगिन कर रहा है ना, मशीन तो नहीं, क्योंकि मशीन्स काफ़ी मिसयूज कर सकती हैं डेटा का है ना। तो ह्यूमन एक इंटेलिजेंस के रूप में उसको टेढ़ा मेढ़ा करके अक्षर जो लिखे होते हैं, तो ये एक सिक्योरिटी का फीचर होता है।
तो ध्यान रखेंगे विकल्प ए। इसमें से कौन सा इनपुट युक्तियां हैं, ठीक है, इनपुट डिवाइसेस, तो कंप्यूटर के रेफरेंस में, कंप्यूटर सिस्टम में जो डेटा इनपुट कर सकते हैं डिवाइसेस, पंच कार्ड रीडर, जो ये आजकल ऑफिसेज में, खास करके कॉरपोरेट ऑफिसेज में जो आईडी कार्ड होता है, तो कुछ इलेक्ट्रॉनिक चिप के रूप में होता है, जैसे कभी मेट्रो वगैरह में आपने ट्रेवल किया होगा तो जो मेट्रो कार्ड होता है कुछ उसी टेक्नोलॉजी पर आधारित, ठीक, तो ये भी एक डेटा इनपुट का जरिया है। बायोमेट्रिक सेंसर जिसमें थंबप्रिंट वगैरह देते हैं, लाइट पेन जिससे कुछ वो हम एक, जैसे अभी जैसे ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, ठीक है, तो क्या हो रहा है ये मैं इसी पेन से ही तो लिख रहा हूँ, तो ये भी लाइट पेन का एक एग्जांपल है, एक अलग से डिवाइस भी आता है इसका, हालांकि मैं तो ये फोन पे बना रहा हूँ, तो सारे ही हैं ये। चयनित पाठ्य की प्रतिलिपि यानी कि कॉपी करने के लिए कुंजी पटल पर किस कुंजी संयोजन का प्रयोग किया जाता है, विच की कॉम्बिनेशन इज यूज्ड ऑन द कीबोर्ड टू कॉपी द सिलेक्टेड टेक्स्ट। तो कंप्यूटर में आप किसी सॉफ्टवेयर में मान लीजिए कुछ लिख रहे हैं, आपको उसको कॉपी करना है तो उसको सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करने के लिए कंट्रोल का जो बटन होता है प्लस सी, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट इस टाइप की जो कीज होती हैं आपके कीबोर्ड में उनको क्या कहते हैं, तो कलेक्टिवली दीज आर नोन एज मॉडिफायर कीज, है ना, इसको आप प्रेस करके जब इसके साथ कोई अन्य बटन प्रेस करते हैं तो कई सारे शॉर्टकट्स होते हैं जो आपके जो यूज़ है उस पर्टिकुलर, मान लीजिए वी बटन से, है ना, कुछ आप वी लिख रहे हैं, ठीक है, इनमें से कुछ करके शिफ्ट करके या कंट्रोल करके वी करेंगे तो वो पेस्ट हो जाएगा, तो मॉडिफाई किया ना उसने आपको, आपके एक्शन को, ठीक, तो इस कुछ हिसाब से ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है, ठीक। और इसी क्वेश्चन के साथ यहाँ पे इस वीडियो को भी समाप्त करेंगे, जो क्वेश्चंस पूछे गए होंगे उसको कमेंट कीजिएगा, हम कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।